हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट है। अभी जो हाल ही में कुछ घंटे पहले ही आपकी एक डेट शीट जारी की थी एनटीए ने, और उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो एनटीए से हो गई थी डेट को लेकर। स्पेशली हम बात करें तो आपका हिस्ट्री का जो पेपर था, यानी कि 29 और 28 वाले दो एग्जाम थे, उनमें गलती से उन्होंने जुलाई की डेट डाल दी थी। तो अब उन्होंने उसी नोटिस को सुधार कर लिया है और उसमें आपके चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं। तो काफी टाइम से स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर एग्जाम तो अगस्त में है लेकिन हमारी डेट जुलाई में दे दी गई है, और वो डेट दी है जो डेट ऑलरेडी जा चुकी है, तो इसका क्या मतलब है, क्या ये नोटिस ठीक तो है या नहीं है। तो फाइनली एनटीए ने अपनी गलती है उसको सुधार लिया है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या चेंज किया है अपडेटेड डेट शीट में। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि पहले आपकी डेट शीट कौन सी थी। देखो, पहले आपकी डेट शीट ये थी। इस डेट शीट में इन्होंने यहां पर गड़बड़ कर रखी थी कि आपका जो पेपर था 28 और 29 का जो पेपर था, ठीक है, तो 28/7 ये आपका जुलाई का मंथ इन्होंने दिया हुआ था, जिसमें हिस्ट्री जैसे पेपर आपके थे, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेसिकली दो मेन आपकी ये सब्जेक्ट है जिनकी डेट आपकी 28 और 29 में आपका गड़बड़ किया हुआ था। लेकिन अभी आप सेम नोटिस को उन्होंने अपडेट किया है, तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो देखो पहला ये लिंक है एग्जाम शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। इट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस नोटिस में आप पाएंगे कि यहां पर उन्होंने इस मिस्टेक को क्या कर लिया है, ठीक कर लिया है। यहां से देखिए आप सब, ठीक है, इसी नोटिस को आप देखेंगे 28 और 29। तो यहां पे आप देखिएगा आपका सेम नोटिस है, तो इस डेट को इन्होंने ठीक कर लिया है। यहाँ पे देखिए, ये 28 आपका दिया है और यहाँ पे 29, तो इस डेट को अभी ठीक कर लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाती है ना, एक ह्यूमन एरर है, हो जाती है, किसी चीज से भी हो सकती है, तो इसमें कोई चिंतित करने वाली बात नहीं है आप सबके लिए। तो एग्जाम आपके एग्जाम का जो बिगुल है वो बज चुका है, अब आपकी बारी है। लास्ट 20 डेज है कि आप किस तरह से अपना रिविजन करते हैं, किस तरह से अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करते हैं। तो आप सब लोग एक भी सेकंड आप वेस्ट मत कीजिए, अपना रिवीजन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, और कल 10 बजे जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि कल 10 बजे हम सब लोग एक स्ट्रेटजी सेशन लेके आ रहे हैं, तो आप सब लोग उस सेशन में प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है, कल 10 बजे। तो हम पेपर 1 और पेपर 2 है ना की स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम पेपर 1 की स्ट्रेटजी है, पेपर 1 की जो रणनीति है, ठीक है, कि आपके लास्ट 20 डेज में कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज करें, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये आप सबको देनी थी। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, सारी चीज आराम से हम कर लेंगे। 20 दिन काफी होते हैं रिविजन के लिए, तो आराम से आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।